सचिदानंद रूपाए विश्व उत्पत्यादि हेतवे 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 ताप त्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमे ताप त्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमे श्री कृष्णाय वयम नुमः श्री कृष्णाय वयम नुमः ब्रह्मानंदम परम सुखंदम केवलम ज्ञान मूर्ति ब्रह्मानंदम परम सुखंदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमशादी लक्ष्यम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमशादी लक्ष्यम एकम नित्य विमल चलम सर्वदिशाकशी भूतम एकम नित्य विमल चलम सर्वदिशाकशी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु तम नमामि भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु तम नमामि अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम् ज्ञान वैराग्ये सिद्ध्यर्थम् गुरु पादोदकम् पिबेत् ज्ञान वैराग्ये सिद्ध्यर्थम् गुरु पादोदकम् पिबेत् कस्तूरी तिलकम् ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवर मुक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिविष्ट तो विजेते गोपाल चुड़ामणि गोपाल चुड़ामणि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सचिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः सचिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृते नारायणं नमस्कृते नरम चैव नरोत्तम नरम चैव नरोत्तम नरम चैव नरोत्तम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरियेत ततो जय मुदीरियेत ततो जय मुदीरियेत ततो जय मुदीरियेत सचिदानंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो
श्री व्यास भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गो माता की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। सतगुरु श्याम की जय हो। निर्भय दयाल की जय हो। भारत के तीर्थ राज महाराज की जय हो। नारद जी एक बार सब तीर्थों में घूमते घूमते परिभ्रमण करते करते सब तीर्थों में फिरते फिरते हिमालय पहुंचे और वहां हिमगिरी में गंगा मैया के दर्शन किए और गंगा मैया की कृपा से उनके हृदय में शुभ चिंतन शुभ विचार हृदय में शुद्ध भाव जागे और उन्होंने सोचा मैं यहां बैठ करके तपस्या करूं, यहां बैठ करके मैं भजन करूं। लेकिन नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है इसलिए वो कभी एक जगह बैठ ही नहीं सकते, एक जगह कहीं रुक ही नहीं सकते। नारद जी को श्राप लगा हुआ है इसलिए वो रुक नहीं सकते। मन करता है कि रुकूं, एक जगह बैठ करके भजन करूं, पर श्राप पीछे। जैसे बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मैं ये अमुक अमुक काम करूं, मैं कथा सुनूं, मैं सत्संग में जाऊं, मैं मंदिर में जाऊं, मैं तीर्थों में जाऊं, लेकिन मन में बात तो आती है लेकिन उस संकल्प को वो साकार नहीं कर सकते, उस संकल्प को वो साकार रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पीछे प्रारब्ध में जैसे नारद जी को श्राप लगा हुआ है एक जगह नहीं रुक सकते, ऐसे उनके प्रारब्ध में पीछे कोई श्राप है, कोई पाप है, जिससे कि वो सत्संग में मंदिर में या और कोई सत्कर्म में या कोई पुनित कार्य में या कोई अच्छे उत्तम कार्य में उनका मन में आती है कि मैं करूं पर कर नहीं सकते। अच्छा नारद जी साधु है, उनको श्राप किसका लगा जी? नारद जी को श्राप किसने दिया और क्यों दिया और कहां दिया? भाई नारद जी तो खुद ही भगवान के पार्षद है और एक साधु, उनको एक श्राप लगा, किनका लगा और क्यों लगा? ये बड़ा रोचक प्रसंग है। ये आप विचार करना कि नारद जी खुद साधु है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, लेकिन उनको श्राप लग गया। किनका लगा? राजा दक्ष का लगा। अच्छा राजा दक्ष तो गृहस्थी है और नारद जी साधु है। अच्छा एक साधु के श्राप लग गया गृहस्थ का। राजा दक्ष जो राजा दक्ष है वो गृहस्थी है और नारद जी साधु है,
लेकिन राजा दक्ष का श्राप नारद जी को लगा, एक गृहस्थी का श्राप साधु को लग गया। अच्छा, ये श्राप दक्ष ने दिया क्यों? वो इसलिए दिया कि राजा दक्ष के पुत्र तपस्या करने गए और तपस्या करके जब लौटे तो रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी उनको पूछते, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले, हम तपस्या करके आए हैं और अब हम घर जा रहे हैं और जाकर के हम विवाह करेंगे, गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। तो नारद जी उनको आत्मज्ञान सुना करके, सत्संग सुना करके घर जाने नहीं देते, वापिस जंगल भेज देते। अच्छा, जिनको नारद जी जैसे संत मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, तो उनके लिए तो कोई दुर्लभ भी नहीं। नारद जी सत्संग सुनाई और उनको फिर से जंगल में भेज दिया। राजा दक्ष के पुत्र आते, नारद जी मिलते, सत्संग सुनाते, वापस भेज देते। तो राजा दक्ष को ये मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र जाते तो हैं लेकिन आते नहीं। तो उन्होंने जब इस बात का ध्यान किया, विचार किया, तो उनको पता लगा कि नारद जी ने उनको तपस्या करने के लिए वन भेज दिया। तो राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि हे नारद, तू मेरे पुत्रों को बार बार जंगल में बाबा जी बनाता है और भेज देता है, मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू दो घड़ी से ज्यादा जिंदगी में इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं रुक पाएगा। दो घड़ी से ज्यादा नारद तू रुक नहीं पाएगा। तो दक्ष का श्राप नारद जी जैसे तपस्वी साधु को लग गया। अच्छा, नारद जी सत्संग सुना रहे थे और सत्संग सुना करके, ज्ञान सुना करके जब उनको बाबा जी बना रहे थे, तो संत बना रहे थे, तो साधु बना रहे थे, तो बाबा जी बना रहे थे, तो काम तो सही कर रहे थे। भाई, किसी को साधु बन जाए तो काम तो अच्छा ही कर रहे थे। अच्छा, जिसके परिवार में, जिसके कुल में, जिसके वंश में साधु बन जाए, तो शास्त्रों में तो ऐसे आता है कि उसकी 21 पीढ़ियां तर गई। किसी के परिवार में, किसी के समाज में, किसी के गांव में, किसी के संबंध में, किसी के वंश में यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय महात्मा हो जाए तो उसकी तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे आते हैं। और नारद जी ने राजा दक्ष के पुत्रों को साधु ही बनाया, काम भी अच्छा ही किया, कोई गलत काम तो किया नहीं। लेकिन फिर भी राजा दक्ष ने श्राप दे दिया और नारद जी को श्राप लगा। अच्छा, नारद जी को यह पता लगा कि राजा दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया है कि मैं दो घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरूंगा नहीं, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी बहुत खुश हुए कि वाह, ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को भजन सुनाएंगे, ज्यादा ज्ञान सुनाएंगे, तो ज्यादा लोगों का कल्याण करेंगे। यानी आप देखिए, सज्जन लोगों को जब दुख आता है तो उसमें भी लोग खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं, भगवान को ऐसे ही मंजूर है। दक्ष ने श्राप दिया और नारद जी को लग गया। अच्छा, नारद जी को जो श्राप लगा, तो नारद जी वो गलत तो कर नहीं रहे थे, नारद जी तो अच्छा ही काम कर रहे थे, बाबा जी बना रहे थे, लेकिन फिर भी श्राप लग गया। इसके पीछे ये कारण है कि यदि दुनिया में सभी बाबा जी हो जाए, इस दुनिया में यदि सभी बाबा जी हो जाए, तो बताओ काम चलेगा क्या, परिवार चलेगा क्या, समाज चलेगा क्या? यदि सभी बाबा जी हो जाए, सभी फक्कड़ नाथ हो जाए, सभी अखंड ब्रह्मचारी हो जाए, तो फिर ये
ये मानव समाज आएगा कहां से भाई? कोई पेड़ से तो टूट के गिरेगा नहीं, कोई पेड़ से थोड़ा उतरेगा, कोई आकाश से थोड़ा गिरेगा। अच्छा अपनी जाने दो, यदि इस दुनिया में सभी बाबा जी हो जाए तो फिर महात्मा जन्मना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि साधु होना ही बंद हो जाएगा। और जब सभी साधु हो गए तो फिर साधु जन्मेंगे कहां, साधु आएंगे कहां? चलो साधु और महात्माओं की जाने दो, आप ये बताओ कि परमात्मा कहां आएगा? भगवान खुद भी यदि आता है तो किसी गृहस्थी के घर में ही तो आता है ना भाई। कोई वसुदेव देव की होंगे तो वहां भगवान कृष्ण का प्रकट्य होगा, जहां दशरथ जी कौशल्या जी होंगे वहां श्री राम का अवतार होगा। इसलिए ग्रस्त होना भी अच्छी बात है, ग्रस्त होना कोई कमजोर बात नहीं है, ग्रस्त जीवन में ग्रस्त जीवन को चलाना यह भी एक बड़ी बात है, यह भी एक महात्मा है। और मेरी समझ में चाहे ग्रस्त हो चाहे विरक्त हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है कि जैसे बड़े शहर में हम जब जाते हैं तो बड़े शहर में एक तो शहर के अंदर से रोड होती है और एक बाईपास निकलती है। भाई आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, हम जाते हैं तो एक तो बाईपास रोड निकल जाती है और एक शहर के अंदर से जाती है। अच्छा कोई अपनी गाड़ी को कोई ड्राइवर यदि बाईपास निकाल के ले गया तो मैं तो जानता हूं उसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, क्योंकि वो तो बनी बाईपास है, वहां कोई भीड़ तो है नहीं। वो यदि अपनी बाईपास से वहां खाली रोड पड़ी है वहां से दौड़ाता हुआ अपनी गाड़ी को यदि निकाल के चला भी गया, निकाल के लेके चला भी गया, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया उसने, खाली रोड थी बाईपास थी उधर से निकल गया। लेकिन कोई व्यक्ति शहर में घुस गया और शहर में फिर जाम लगा हुआ है, गाड़ी आगे गाड़ी पीछे गाड़ी साइड में गाड़ी, और वो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग बैठे बैठे पकड़े पकड़े बैठा है, पीछे से पू पू हो रही है, आगे वाला चल नहीं रहा है, पीछे वाला बार बार हॉर्न दे रहा है, इधर से मोटरसाइकिल वाला परेशान, उधर से साइकिल वाला परेशान कर रहा है, इधर पैदल चलने वाले, इधर से कोई गाय आ रही है, इधर से कोई और कोई आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, और बेचारा अपने स्टेरिंग को पकड़े हुए गाड़ी में बैठा है और इंतजार करता है कि कब मुझे चाल मिले, कब मुझे गैप मिले, कब मुझे जगह मिले और मैं आगे बढ़ूं। अपनी गाड़ी की स्टेरिंग पर बैठा बैठा इंतजार करता है समय का, और जितना उसको समय मिलता है इतनी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते 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 चलता रहता है और अपनी यात्रा को करता है। ऐसे ही ये जिंदगी की गाड़ी, ये अंदर में जीव बैठा हुआ ड्राइवर, ये उम्र की सड़क और ये संसार रूपी इस बाजार में कोई ग्रस्त धर्म में फंस गया, भीड़ में फंस गया, ग्रस्त आश्रम में आ गया, वो जिस प्रकार से शहर में से गाड़ी निकालता है ऐसे गाड़ी निकालता है। वो बेचारा जितना उसको टाइम मिलता है, जितनी उसको अवसर मिलता है, इतनी अपनी साधना को आगे से आगे बढ़ाता है, कदम से कदम। कभी कभी शाम को आधा घंटा मिल गया तो आधा घंटा जप कर लिया, माला कर ली, कभी 5 मिनट मिली तो उसमें हाथ जोड़ लिया, कभी कभी उसको समय नहीं मिला तो हे भगवान
क्योंकि वो भीड़ में फंसा हुआ है। माँ कुछ कहती है, पिताजी कुछ बोलते हैं, भाई बंद कुछ बोलते हैं, संबंधी कुछ बोलते हैं, पड़ोसी कुछ बोलते हैं, गांव वाले कुछ बोलते हैं, सबकी सुनता है बेचारा, सबकी सुनता है। और सबकी सुनता हुआ अपनी इस जिंदगी की गाड़ी को इस उम्र रूपी सड़क पर इस साधना के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, उस ग्रस्त को धन्यवाद है। धन्य ग्रस्त आश्रम में, ग्रस्त आश्रम वालों को धन्यवाद है। और यदि कोई साधु बनकर के बाईपास लेकर के गाड़ी को भाग गया तो उसमें तो बलियारी क्या है भाई। उसने कोई परिवार से, गांव से, समाज से, संबंधियों से, रिश्तेदारों से कोई उसको कोई किसी प्रकार की उसने न तो सेवा ली है न सेवा दी है, तो उसको तो क्या समस्या आएगी। वो तो इस संसार की ग्रस्त की इस गाड़ी में यदि बैठ गया है और शेर जैसे परिवार में घुस गया है, फिर देखो उसके सामने नाना प्रकार की समस्या आती है। कभी बेटा कहना नहीं मानता, कभी बहू कहना नहीं मानती, कदई भाई विरोध कर रहा है, कदई कोई शिव का भाटा उपाड़ रहा है, कोई कदई माता पिता कह रहा है ओ काई काम करे, भजना के अलावा और काम कौन की तारे, कदई पता नहीं। वो बेचारा अपनी साधना की गाड़ी को खींच के लेके जा रहा है, लेकिन धक्को दे वाला तो कभी मिला पंचर कर वाला ही है, क्योंकि मैं तो खुद ही भुगत भोगी हूं। इस क्षेत्र में यदि कोई उतरे तो कोई कोई बिरला परिवार, समाज, गांव के लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई कोई बिरला आदमी पीठ पर हाथ रखे के धन्यवाद, अरे व्यापार करने के लिए हम बहुत हैं, नौकरी करने के लिए हम बहुत हैं, खेती करने के लिए हम बहुत हैं, आपके परिवार को संभालने के लिए हम बहुत हैं, और दूसरे काम करने के लिए हम बहुत हैं। यार एक परिवार में, गांव में एक भक्त भी होना चाहिए, एक संत भी होना चाहिए, और आपने ये चुन लिया मार्ग, हम हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बोलो आपको क्या सहयोग चाहिए, तन मन धन से हम आपके साथ हैं, आप तो करो भक्ति, करो सत्संग, करो कथा, हम साथ हैं। ऐसा कहने वाला तो कोई दिलदार होता है, ऐसा कहने वाला तो कोई बिरला ही ऐसा होता है कि ऐसा कहे कि चलो तुम जिस क्षेत्र में जा रहे हो चिंता मत करो, आप ये मत समझना कि आपके पीछे कोई नहीं, हम सब हैं, आपको जो चाहिए का हम देंगे, लेकिन आप भक्ति करो, आप करो भजन। ऐसा यदि कोई कहता है तो मानो पहले जन्म में उसने कोई तपस्वी, वो पहले जन्म का कोई तपस्वी है और उसका कोई हितेशी है, बाकी तो पंचिर करवाड़ा ही है। बन देख लियो, बन देख लियो, ए भाया ई मार्ग में काई कर, ई रास्ते गया जगह में आ हुई है, बी का बच्चा बटर होया है, वो फलाणो फला फला बाबा बात हुई। हिम्मत बनाने वाले लोग कम मिलेंगे कि तुम चिंता मत करो, जिस मार्ग को तुमने चुना है मार्ग सही है, आप चलिए, हम हैं आपके पीछे। किशनपुरा में एक सत्संग करी, 3 दिवसीय कथा हुई, पहली बार किशनपुरा में कथा हुई। उस कथा में मेरे को एक आदमी आकर के बोला कि महाराज व्यवस्थाएं कैसी क्या है। मैंने कहा अच्छी है, लेकिन पहली बार है, इसमें थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए आप इतना इतना ये मत करो, आप इतना ही करो। उस आदमी ने, नाम नहीं बताऊंगा, वो शायद यहाँ भी बैठे होंगे या अब आने वाले होंगे, उस महाराज कितना भी लगो इसमें जितना खर्च होता है वो मैं अकेला दे दूंगा महाराज, लेकिन करो तो तुम बढ़िया इसको। धन्यवाद उसके माता पिता को, धन्यवाद है उसको। अरे उससे उसको भगवान ने उनको बहुत सारा, कोई बहुत कुछ नहीं दिया भाई, देश का राज दे दिया नहीं, लेकिन उसका दिल है, उससे ज्यादा तो संपत्ति बहुत लोगों के पास पड़ी है, जो जाता है कह जाके इन काई पड़े है, फालतू बात है। लेकिन इस संसार में पैसा कमाने के लिए कलेजा चाहिए, बिना कलेजा के पैसा नहीं कमाया जा सकता। यदि संसार में कुछ कमाना है तो आदमी को कलेजा चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा
कि दुनिया में पैसा कमाने के लिए कलेजा जरूर चाहिए, चाहिए कलेजा, लेकिन ऐसे पुनित कार्यों में, ऐसे धार्मिक कार्यों में खर्च करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए उससे। कमा तो हर कोई सकता है, लेकिन खर्च करने के लिए उससे बड़ा कलेजा चाहिए। और मेरे भाई बहनों, धर्म की जड़ सदा हरी है, धर्म की जड़ सदा हरी। आप कुछ करके देखिए, आपको बहुत जल्दी भगवान परिणाम अच्छे आएंगे। आप अपने जिंदगी में कुछ सत्कर्म करके देखिए, भगवान जल्दी ही आपको सत्कर्मों का फल देंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन ये कर रहा था कि ग्रस्त धर्म भी कमजोर नहीं है। आप ग्रस्ती होकर के कमजोर नहीं है, हाँ ये जरूर है कि आप आदर्श ग्रस्ती बनिए। आदर्श ग्रस्ती कहते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं वो घर मंदिर है, और हमारी माताजी गंगा जी है, हमारे पिताजी पुष्कर राज है, हमारी माताजी हैं, यदि आपकी सास है तो वो गंगा जी है, आपके ससुर जी है तो वो पुष्कर राज, आपके पति परमात्मा है, आपके देवर देवता है, आपके देवरानी जेठानी ननद ये सब देवियां, और खुद औरत है व लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी है, और घर उसका मंदिर है, गुरु भगवान है। तो हमारे घर में गृहस्थ आश्रम में सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे भगवान और सारे मंदिर हमारे घर में ही है। हाँ, उन तीर्थों में भी जाना चाहिए जो हमारे ऋषि मुनि ने बनाए, लेकिन बात तीर्थों में जाता रहे घर का तीर्थ सूखा पड़ा रहे। तो लिखते हैं महात्मा कि मात पिता जिंदे हैं वो तीर्थ करने क्यों जावे, जब घर में ही शक्कर मिलती है तो पड़ोसी का गुड़ क्यों खाए। घर में ही शक्कर है, इसलिए आप धन्य हो ग्रस्त आश्रम में, ये ग्रस्त आश्रम को धन्य है, इसको धन्यवाद है। राजा दक्ष ने श्राप दिया नारद जी को, राजा दक्ष खुद ग्रस्त है, नारद जी साधु है, लेकिन श्राप लगा, और श्राप यह था कि दो घड़ी से ज्यादा जिंदगी में कहीं टेर नहीं पाओगे। लेकिन नारद जी का पुण्य जगा, हिमालय में गंगा तट के किनारे मनोहर उद्यान देख करके वो ध्यान में बैठ गए और उनकी अखंड समाधि लग गई। देव सृष्टि में हलचल होने लगी कि ये नारद इतनी कड़ी तपस्या कर रहा है शायद इंद्रासन छीनने के लिए। इंद्र को कुछ हड़बड़ाहट हुआ, इंद्र ने सची समेत कामदेव को भेजा, जाओ उसकी तपस्या में विघ्न करो, वो इंद्रलोक समेत सुरक का आदि पत्ते छीनना चाहता है। कामदेव अपनी सारी शक्तियों के साथ नारद जी के पास उपस्थित हुए और जितनी युक्तियां, जितनी शक्तियां का प्रयोग, जितने बाणों का प्रयोग कर सकते थे कामदेव करते रहे, लेकिन नारद जी की अखंड समाधि है, उसको कोई विघ्न नहीं हुआ। जब कोई विघ्न पैदा नहीं कर पाए कामदेव, तो कामदेव ने चरण पकड़ लिया नारद जी के, और कामदेव ने कहा मैंने ब्रह्मा विष्णु यहां की शिव जी को भी मैंने मेरी शक्ति से डुलायमान कर दिया था, हे नारद आप तो शिव जी से भी महान हैं, मैं आपके सामने पहली बार हार स्वीकार करता हूं।
और आप मान लीजिए कि जो ऐसे अपनी महिमा सुनकर के जो लोग अभिमान में आते हैं वो गिरते हैं। आदमी तीन जगह गिरता है, एक नंबर बच्चे को खिलाते टाइम पागल हो जाता है, उसको पता नहीं मेरा पद प्रतिष्ठा क्या है। दो नंबर शीशे के सामने देखता है तब भी पागल होता है, और तीन नंबर जब उसकी कोई बड़ाई करना शुरू कर दे तो वो फूल करके ऐसे हो जाता है। इन तीनों टाइम पर उसको कुछ विचार विवेक रखना चाहिए, बड़ाई करते वक्त उसको ट्रांसफर करते रहना चाहिए, और एक शब्द याद रखना चाहिए कि आप जो कह रहे हो ना ये सब, बोले ये तो आपका बड़ापन, ऐसा मैं हूँ नहीं, ऐसा मैं हूँ नहीं, आप जो कह रहे हो ये आपका बड़ापन है, आपका बड़ापन, ये प्रभु की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है, ऐसे उसको टालते रहिए तो आपको अभिमान नहीं आएगा। और देखो नारद जी तक अभिमान आ गया,